Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to learn the chapter Components of Food of Class 6 Science, chapter number 2. So, in this chapter, we will be learning about introduction, what do different food items contain, what do different nutrients do for our body, and balanced diet as well as deficiency diseases. Introduction. In chapter 1, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different part of India and marked these on its map. Now, हमने last chapter में देख चुके हैं कि हर जगह का food items changed होता है. जैसे कि आप गुजरात में रहते हो, तो गुजरात के food items अलग होते हैं. राजस्थान जाओगे, बिहार जाओगे, पंजाब साइड जाओगे, तो उधर के food varieties अलग होती हैं. So, a meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. एक मील में सब्जी, रोटी और दाल हो सकती है, जैसे कि चपाती यानी रोटी, दाल और ब्रिंजल करी यानी कि बैंगन की सब्जी. अनदर मे बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी. यानी कि अब कई दूसरी जगह पे एक मील क्या हो सकती है, तो सांभर, राइस, वेजिटेबल यानी कि भिंडी की सब्जी हो सकती है. येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश, करी एंड वेजिटेबल्स. नाउ ये साउथ साइड का फूड है, अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल्स हो सकता है. आर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स. अदर आइटम कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. नाउ ग्रेन्स यानी कि गेहूँ, चावल, ये सब ग्रेन्स होते हैं. तो मोस्टली हर एक की मील में एक चीज़ फिक्स्ड होती है, वो है ग्रेन से बनी हुई कोई भी एक आइटम. बाकी उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे दाल हो सकती है, फिर मीट हो सकता है, डिश ऑफ मीट हो सकती है, सब्जियां हो सकती है. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. अब हमारी डिश में हम ऐड करते हैं, जैसे खाने के साथ हमें दही चाहिए, छाछ चाहिए या फिर अचार चाहिए. दही मीन्स योर कर्ड, बटर मिल्क मीन्स योर छाछ एंड पिकल मीन्स योर अचार. सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. एड सम मोर मील टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1. अब हमें जो नेक्स्ट टेबल हमें जो दिखेगा उसके अंदर दो स्टेट्स के रीजनल फूड दिखाए गए हैं, तो हमें आगे फिलअप करना है. पंजाब, तो पंजाब की मकई की रोटी फेमस होती है राज में. देन सरसों का साग एज वेल एज कर्ड और घी, ये उनके यहाँ पे फेमस होता है. फिर आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल एंड रसम, कुंदरू, बटर मिल्क, घी एंड पिकल. तो यहाँ पे ये सारे आइटम्स मिलते हैं. जैसे अब गुजरात की बात करें तो वीट यानी हमारी रोटी, गेहूँ की रोटी होती है, मूंग की दाल होती है, पटैटो हमारे यहाँ के बहुत फेमस सब्जी है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, एज वेल एज़ बटर मिल्क एंड कर्ड. बटर मिल्क यानी छाछ और दही, हमारे घर में हमें विंटर में भी हमारे घरों में छाछ और दही मिलनी ही मिलनी है. देयर मस्ट बी सम रीज़न दो व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. अब कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि इतनी सारे आइटम्स हम खाते हैं, क्यों कोई भी दो ही आइटम खा के हम संतोष नहीं हो सकते. जैसे कि जो एनिमल्स हैं वो, जैसे काउ मान लो, तो वो ग्रास खाती है, अलग अलग ग्रास खाती है, तो अलग अलग ग्रास क्यों खाती है. कोई भी एक ही ग्रास खाए उसको क्या फ़र्क पड़ता है. क्या रीजंस हो सकते हैं? टेस्ट हो सकता है, हाँ थोड़ा बहुत टेस्ट हो सकता है क्योंकि हम हर रोज़ एक ही एक खाना खा खा के बोर हो सकते हैं. बट उसके अलावा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आर मील. ओके, तो अभी रीज़न क्या है? तो जो खाना होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ये एक्टिविटी वन में. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आर मील. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. अब सबके घर में हर रोज़ दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, छाछ सब कुछ नहीं होता है. कभी कभी हम लोग सिर्फ रोटी सब्जी खाते हैं, कभी कभी दाल चावल होता है. हर रोज़ बहुत सारी वेराइटी होना ज़रूरी नहीं है. एज वेल एज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या इतनी सारी चीज़ें ले जा सकते हो? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, छाछ, अचार, ये सारे आइटम्स आप नहीं ले जा सकते, वो आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो आप तब क्या करोगे? जो चीज़ अवेलेबल है आप तब वही चीज़ यूज़ करोगे. नाउ वेराइटी ऑफ फूड, वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन. अब हर एक अलग अलग आइटम ऑफ फूड में क्या होता है?
We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we eat from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. Now, हमारी जो डिश होती है, हम कोई भी एक चीज़ बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं या फिर अलग अलग आइटम्स खाते हैं, तो उन हर एक चीज़ में एक इंडिग्रेंट होता है, यानी कि जैसे सब्जी बना रहे तो उसमें मसाले हो गए, तो ये सारे हमारे इंडिग्रेंट हो गए. और हर एक इंडिग्रेंट में एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा हाथ है. दीज इंडिग्रेंट्स कंटेन सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आर बॉडी. These components are called nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Now, हमारे जो food में most of जो nutrients होते हैं उनको हमने name categorize किया है carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. इनके अलावा भी एक चीज़ है और उसे हम बोलते हैं dietary fibers and water. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. ये सारी components हमारे body के लिए बहुत बहुत important होते हैं. Do all food contain all these nutrients and can we check it? क्या हर एक खाने में हर एक nutrient होता है और क्या हम उसे check कर सकते हैं? तो answer no है, कि हर एक item में हर एक component नहीं हो सकता. But हाँ, कोई भी एक item में दो से ज़्यादा components possible है और हम इन्हें check कर सकते हैं. Now, nutrient test. With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. अब इनके tests एकदम simple tests होते हैं और इनके ये test से हम देख सकते हैं कि कोई भी एक cooked meal या raw meal यानी कच्ची, तो कोई भी एक meal ingredient को हम check कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से nutrients हैं. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients. अब हमें अगर जानना है कि carbohydrates, proteins और fats हमारे food item में है या नहीं, तो इसके test easy हैं. लेकिन vitamins का test check करने में हमें थोड़ा hard हो जाता है, वो हम regularly check कर सकते नहीं हैं. Let us see how can we test these nutrients present in our food. For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. Try these tests on cooked food items as well as on raw materials. अब आपको अगर check करना है कि आपके food में ये ingredients में कौन से nutrients हैं, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी. क्या? Iodine, copper sulfate, caustic soda. उसी के साथ साथ test tube और dropper. Carbohydrates test. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. Now, carbohydrates एक पूरा नाम है, but उसके अंदर भी categorized है. जैसे कि carbohydrates में mostly होता है starch and sugar. इसका test check करना बहुत easy है. It's not that difficult. तो हमें अलग अलग आइटम्स को हम लोग चेक कर सकते हैं. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट. पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. नाउ डायल्यूट, अब आयोडीन एकदम पक्का आयोडीन है. आयोडीन को डायल्यूट करना हो तो उसको हम पानी में मिक्स करते हैं. कोई भी चीज़ को अगर हमें डायल्यूट करना है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम करनी हो, तो हम उसे पानी में ऐड करते हैं. सो अब हमें क्या करना है, कोई भी एक इंडिग्रेंट लेना है और उसको या तो वो कुक्ड हो या फिर रॉ हो, दोनों चलता है. 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डायल्यूट आयोडीन ऑन इट. हमें उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं. ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. अब हमें चेक करना है कि क्या उस फूड आइटम में कोई चेंज दिख रहा है. डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक. अगर वो ब्लू या ब्लैक में टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर कलर ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च. अब आप अलग अलग इंडिग्रेंट्स पे ट्राई कर सकते हो कि कौन सी इंडिग्रेंट में स्टार्च अवेलेबल है. नाउ प्रोटीन टेस्ट.
Take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Now, आपको कोई भी एक इंग्रेडिएंट चेक करना है और उसका प्रोटीन टेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। पहले तो उसे आप तोड़ लो या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ग्रिंड अ ग्रिन और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। नाउ वो जो आपने पेस्ट बनाया या फिर आपने जो पाउडर फॉर्म में किया, उसे एक टेस्ट ट्यूब में डालो और उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डाल दो और उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर दो। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। अब प्रोटीन टेस्ट के लिए आपको क्या क्या जरूरी पड़ेगा? तो एक कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट, इन दोनों को आपको डालना है। तो 2 ड्रॉप आपको कॉपर सल्फेट के डालने हैं और 10 ड्रॉप आपको डालने हैं कॉस्टिक सोडा के, और फिर वापस उसे अच्छे से शेक कर देना है। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? क्या वो जो कंटेंट है वो टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हुआ, वायलेट हुआ? अगर हाँ, अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर वो कलर पर्पल हो, सॉरी वायलेट हो जाता है, तो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ फैट्स टेस्ट। सबसे ईजी टेस्ट फैट का होता है। टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper or crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? An oily patch on paper shows that the food item contains fat. अब कोई भी आपने एक आइटम को, कोई भी फूड आइटम को लिया, उसे एक पेपर में कवर कर दो और उसे क्रश कर दो, फिर उसको ध्यान रखना कि पेपर आपका फट ना जाए, फिर उस चीज़ को निकाल लो, जो फूड आइटम है उसे निकाल लो और पेपर को चेक करो। अगर उधर ऑयली पैच है, ऑयल के धब्बे दिख रहे हैं, तो उसमें फैट है। फिर भी आपको टेस्ट करना हो तो आप उसे लाइट के सामने रख दो, और अगर आपको लाइट यहाँ पे धुंधली दिख रही है, नॉट क्लियर नहीं दिख रही है, पैच जैसा दिख रहा है, तो उस चीज़ के अंदर फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। अब कुछ कुछ फूड आइटम्स में थोड़ा पानी भी होता है। Therefore, after you have rubbed an item of paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from the food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. अब कोई भी एक food item है, उसके अंदर पानी है, तो फिर भी आपने जब उसे crush किया, paper में fold किया, तो फिर भी एक patch दिखेगा। लेकिन अगर अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ड्राई करने रख देना पड़ेगा। ड्राई करोगे तो पानी जो होगा वो बाफ में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, सूख जाएगा वो पेपर। बट अगर उसमें ऑयल होगा, यानी ऑयली पैच रहता है, यानी कि उसमें फैट है, अगर उसमें ऑयली पैच नहीं बनता ड्राई होने के बाद, यानी कि उसके अंदर फैट नहीं है। दिस टेस्ट शोज अस दैट वेदर फैट प्रोटीन्स एंड स्टार्च आर प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट वी टेस्टेड। ना आपने टेस्ट किया, हम लोग एक एक्टिविटी भी करेंगे जिसके अंदर हमने अलग अलग फूड आइटम्स को चेक करेंगे, बट लेकिन आपको ये ध्यान दोगे तो आपको अलग एक ही आइटम में दो दो तीन तीन प्रोटीन्स या सॉरी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? यस, इट कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। अभी हमने 3 चीज़ों का टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, बट इन 3 न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी फूड के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स, तो उसके भी टेस्ट हम कर, पर हम रेगुलर बेसिस पे उसके टेस्ट नहीं कर सकते। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? व्हाट डज दीज न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? अब हमें ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं, हमें वो देखना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी को रिपेयर होना है या ग्रो करना है, लंबा होना है, तो फिर भी उसको किसी भी तरह से ग्रो होना है, तो उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। वो हम मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में मिलता है? तो वीट,
स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपैया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस एंड वीट, ये सारे प्रोडक्ट्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। फैट्स, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो फैट होता है उससे भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है और कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फैट्स में हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। फैट्स के लिए मील है तो मीट, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, पोटैटोज, ये सब चीज़ें हमें फैट देती हैं। फूड आर कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट होता है तो उन फूड को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो उस फूड को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब विटामिन्स का क्या काम होता है बच्चों, तो विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अलग अलग डिसीज से। वो हमारे आइज, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब विटामिन्स भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब हमारे फूड में या फिर जो विटामिन्स हैं, इतने सारे वेराइटी के विटामिन्स हमारे अंदर, हमारे फूड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और विटामिन बी, तो यहाँ पे B12, B9 ऐसे अलग अलग तरह के बी के अंदर, बी का तो एक अलग सा ग्रुप ही है जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर जो अलग उनका जो काम होता है वो अलग होता है। नाउ विटामिन ए, विटामिन ए हमारे लिए क्या काम करता है। आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को हर एक तरह का विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अब विटामिन ए हमारी स्किन और हमारी आईज को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन ए हमें चीज़, एग, फिश, स्वीट पोटैटो, कैरेट, पपैया, पम्पकिन, ब्रोंकली, एवोकाडो एंड पेपर से मिलता है। विटामिन बी प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो विटामिन बी हमारा किस काम में आता है, तो गुड हेल्थ और हमारी वेलबींग को देखने में काम आता है। एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हेल्दी बॉडी, बी विटामिन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आर एनर्जी लेवल, ब्रेन फंक्शन एंड सेल मेटाबोलिज्म। अब विटामिन बी हमारी बॉडी को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी एनर्जी लेवल पे और हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग पे जाता है। विटामिन बी के लिए लिवर, वीट, जो ग्रेन्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस। और विटामिन सी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है अलग अलग डिसीज से फाइट करने के लिए। विटामिन सी हमें मिलेगा ऑरेंज, लेमन, एप्पल, ब्रोंकली, सेलरी एंड स्ट्रॉबेरी में से। विटामिन डी, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको यूज़ करने में मदद करता है और हमें विटामिन डी मिलेगा मिल्क, बटर, फिश, लिवर, इन सारे प्रोडक्ट्स से। मिनरल्स, मिनरल्स आर नीडेड बाय अ बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब मिनरल्स जितना जैसे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उनका हर एक मिनरल का एक अलग अलग काम होता है। इन अ गिवन रॉ मटीरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। अब कोई भी जैसे राइस है, हमें यह एग्जांपल दिया राइस का, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है बट उसके साथ साथ उसके अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एग्जाम्पल, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दस वी कैन से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स,
तो आयोडीन, तो आयोडीन हमें वाटर सीरीज, सी वीड, सी सॉल्ट, स्ट्रॉबेरी, फेनल, हिमालयन क्रिस्टल सॉल्ट, ब्रोंकली, कोकोनट ऑयल, स्पिनच एंड कैनबेरी से मिलता है। देन फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस मीट से, फास्ट फूड से, चीज़, मिल्क, सीड्स, कैनिड फिश, कोला, इन सब से हमें फॉस्फोरस मिलता है। देन आयन, तो बीफ, पॉर्क, क्लैम, पोटैटोज, स्पिनच, फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड बीन्स एंड लेंटिल्स, तो इन सारे प्रोडक्ट से मिलता है। एज वेल एज दिस इज कैल्शियम, कैल्शियम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग। मिल्क, योगर्ट, सोयाबीन्स, ऑरेंज, लेडी फिंगर, चीज, ट्यूनिप ग्रीन, सीसेम सीड्स, आलमंड्स एंड सिनेमन। नाउ बच्चों, कैल्शियम मोस्ट प्रॉब्ली मिल्क प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स से। नाउ डाइटरी फाइबर्स, अब जितने न्यूट्रिएंट्स हमने देखे, विटामिन्स देखे, मिनरल्स देखे, इनके अलावा भी एक चीज़ हमारे फूड में प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। प्लांट प्रोडक्ट्स हमें रफेज मिलता है, ना डाइटरी फाइबर्स मिलता है, ये भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आर बॉडी। रफेज से हमें कोई न्यूट्रिएंट मिलता नहीं है, बट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आर फूड एंड एड्स इट टू इट बल्क। दिस हेल्प्स आर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। नाउ रफेज हमारे को कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता, बट हमारी बॉडी को थोड़ा बिल्डअप करने में थोड़ा सा मदद करता है, बल्क में मदद करता है, एज वेल एज जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में है उसे रिमूव करने में भी मदद करता है। वाटर हेल्प्स आर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब वाटर हमें क्या करता है, तो वाटर हमारी मदद करता है फूड्स में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जो वेस्ट पैदा होते हैं, वो भी हमें वाटर के थ्रू हम लोग निकालने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप यूरिन एंड स्वेट से हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक या वेस्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। अब हम जो पानी पीते हैं उसी से मोस्टली हमारी बॉडी को पानी मिलता है, लेकिन वाटर, मिल्क, टी, इन सब चीज़ों से हमें वाटर मिलता है, लेकिन खाने की चीज़ों में भी पानी होता है। इन एडिशन वी एड वाटर। अब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसके अंदर भी पानी होता है, हम पानी डालते हैं ग्रेवी करने के लिए। देन टमाटो फ्रूट्स या फिर लेमन, ऐसे जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी पानी होता है। अगर आप कभी भी इन फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को कट करोगे तो आपके हाथ में पानी आएगा, आपके हाथ वेट हो जाएंगे। तो आप अलग अलग वेजिटेबल्स को कट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से वेजिटेबल्स में आपको पानी मिलता है, यानी कि पानी है और किस में नहीं है। मोस्टली हर एक वेजिटेबल को हम अगर कट करते हैं तो उसमें से हमारे हाथ वेट होते ही हैं। वाटर सी, वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर टू सम एक्सटेंट। आर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। अब खाना बनाते तो उसमें भी हम पानी डालते हैं, और हमारी बॉडी को जो वाटर चाहिए वो अलग अलग फूड से भी मिल जाता है क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी वाटर होता है। 92% वाटर इज देयर इन वाटरमेलन। वाटरमेलन सबसे ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ वाटर है और उसके अंदर 92% ऑफ वाटर होता है। हाइड्रेटिंग फूड्स क्या कौन कौन से होते हैं, तो देखो 96% वाटर आपको कुकुम्बर में मिलेगा, 96-92 के अंदर आपको वाटरमेलन में मिलेगा। देर इज़ नो एग्जैक्ट वैल्यू बेटा, ये एक एस्टिमेशन लगाया जाता है। पाइनएप्पल में 95, देन सिलरी में 95, 94 इन टमाटो, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज में 95, 95 पोटैटो इन सिलरी, देन पपैया में 92, देन दिस इज़ योर लेमन, इट गेट्स 90 एंड दिस इज़ योर पियर, इट हैज़ 89%। Thank you. This video has been presented to you by Spring Day School Kadi.